हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन ऑफ सॉलिड्स बाय एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न। लास्ट क्लास में हमने डिबाइस शरर्स मेथड और या मैं बोलूँ पाउडर मेथड को डिस्कस किया था, एंड लास्ट में मैंने कुछ आपको स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन के बारे में भी बताया था, तो उसी को आगे लेके चलते हैं। फॉर डिटरमिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलाउड मिलर इंडिसेस शुड बी नोन। तो अगर आपको कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है तो उस क्रिस्टल में क्रिस्टल प्लेन्स के जो अलाउड मिलर इंडिसेस हैं दे शुड बी नोन। अब देखिए, ये फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4a² एन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो लैम्डा जो है वो हम फिक्स लेते हैं, एंड a जो है लेट इज कॉन्स्टेंट। अगर आप किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लेते हैं तो इट विल नॉट वेरी। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एन जो थी उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 कंसिडर करी है। अब देखिए, सिंपल क्यूबिक के लिए ऑल वैल्यूज ऑफ एच के एल, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एच के एल एक्सरे डिफ्रेक्शन इज पॉसिबल। तो एच के एल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी ओड, इट कैन बी इवन। देखिए एग्जाम्पल, देखिए 100, तो एच क्या है आपका 1, 0 के एल है 00, तो एच तो यहाँ पे ऑड है और के एल है आपके इवन है, एंड 111 तीनों ऑड हैं, एंड इस एच के एल व्हेन 200 इवन है, व्हेन 210 कॉम्बिनेशन है वो कुछ भी होगा। एंड सिंपल क्यूबिक के लिए है, अगर सिंपल क्यूबिक पे एक्सरे इंसिडेंट होती हैं तो एच के एल प्लेन की किसी भी वैल्यू के लिए एक्सरे हैं वो डिफ्रेक्ट होंगी। बॉडी सेंटर्ड की जब हम बात करते हैं तो फॉर इवन वैल्यूज ऑफ एच के एल, एच प्लस के प्लस एल, यहाँ पे देखिए इट इज ओनली एच के एल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एच प्लस के प्लस एल। तो एच प्लस के प्लस एल की इवन वैल्यूज के लिए एक्सरे विल बी डिफ्रेक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल प्लेन्स। फॉर एग्जाम्पल 110, आप 1 + 1 + 0 इज 2, इट्स इवन नंबर। 2 + 0 + 0, इट्स अगेन द सम ऑफ दीज 3, एच प्लस के प्लस एल इज इवन। तो इस तरह के प्लेन्स के लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर से एक्सरे जो हैं वो डिफ्रेक्ट होंगी। एंड जब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की, तो फॉर एफसीसी क्रिस्टल्स डिफ्रेक्शन ऑफ एक्सरेज आर पॉसिबल फ्रॉम क्रिस्टल प्लेन्स हैविंग आइदर ऑल इवन और ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ एच के एल, या तो एच के एल तीनों पैरामीटर एच के एल इवन हो या तीनों पैरामीटर ऑड हो। यहाँ पे भी हम सम की बात नहीं कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल है 111, देखिए तीनों एच के एल तीनों ऑड नंबर है, एंड जो आपका 200 है या 220 है दे ऑल आर इवन। सो दीज आर सम एग्जाम्पल कि किस तरीके से जो एक्सरे हैं वो एफसीसी बीसीसी या सिंपल क्यूबिक से डिफ्रेक्ट होंगी, किन प्लेन्स के लिए डिफ्रेक्ट होंगी। फाइन, और अब आगे हम पढ़ने वाले हैं एक मेथड जिसका नाम है FWHM या शरर्स फॉर्मूला, जो कि एक्सआरडी टेक्निक में काफी फेमस है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को निकालने के लिए देखिए यहाँ पे एक टर्म मेंशन है FWHM। सो दिस इज फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। अब ये होता क्या है ये आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए क्या किया आपने, वी कंसीडर अ सेट ऑफ पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स एंड अ नैरो बीम ऑफ एक्सरे इज इंसिडेंट ऑन दीज प्लेन्स। तो आपने नंबर ऑफ प्लेन्स हैं वो m कंसिडर कर लिए। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ m प्लेन्स मैंने कंसिडर किए हैं, बाद में चलेंगे इस डायग्राम पे। यस, एंड एक्सरे इज इंसिडेंट ऑन दीज प्लेन्स। लेट कंसीडर टू प्लेन्स, प्लेन 1 एंड प्लेन 2, फॉर विच मैक्सिमा इज फॉर्म्ड बाय द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ओबेज ब्रैग्स लॉ। जब मैंने एक्सआरडी शुरू किया था, एक्सरे डिफ्रेक्शन शुरू किया था, एंड मैंने ब्रैग्स लॉ की कंडीशन डिफाइन की थी, तो ये चीज़ वहाँ पे क्लियर कर दी थी कि जनरली जो क्या होगा, प्लेन से रिफ्लेक्टेड एक्सरे होंगी जब कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी, then we will have intensity pattern versus मतलब will have a intensity pattern जहां पे किसके बीच में होगा, ये intensity एंड 2θ के बीच में। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कर्व बनाया भी है, दिस इज इंटेंसिटी, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है, दैट कैन बी एन आर्बिट्री काउंट, और ये है आपका 2θ जो कि आपका x एक्सिस पे है। अब आप
क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ प्लेन्स बहुत सारे आपने कंसिडर किए हैं, बट सिंप्लीफिकेशन के तौर पर अगर बात करें तो आप टू प्लेन्स कंसिडर करोगे, प्लेन वन एंड प्लेन टू, जहाँ पे ये है कि जो प्लेन वन और प्लेन टू से रिफ्लेक्टेड रेज हैं, डिफ्रेक्शन के टर्म में तो डिफ्रेक्टेड रेज हैं, देन व्हेन दे मीट कंस्ट्रक्टिवली, ठीक है, देन दे विल गिव इंटेंसिटी, हायर इंटेंसिटी, एंड दे ऑब्वियस ब्रैग्स लॉ. अब ब्रैग्स लॉ की बात करते हैं तो वी नो 2DHKL साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. दिस इज एच नॉट एन, ठीक है, एन दिख रहा होगा आपको बट दिस इज एच. एंड ये कॉमन सेंस की बात है कि मैं आप पिछली क्लासेस में इस चीज़ को बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ. सो 2DHKL साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा एंड सपोज दिस इज इक्वेशन वन. अब देखिए यहाँ पे आगे चलने से पहले थोड़ा सा हम इस कर्व को डिस्कस कर लेते हैं. जब हम बात करते हैं थियोरेटिकल मैक्सिमा की, जो पीक हमें मिल रही है, कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा जो हमें मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो मैक्सिमा मिल रहा है, तो जब हम थियोरेटिकली बात करते हैं तो दिस मैक्सिमा इज लाइक अ शार्प लाइन, शार्प वर्टिकल लाइन, एंड दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द डिराक डेल्टा फंक्शन, जीरो ब्रेथ एंड इनफाइनाइट इंटेंसिटी. तो ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इसकी ब्रेथ जो है जीरो है एंड इट हैज इनफाइनाइट इंटेंसिटी. बट जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर आप किसी पाउडर का XRD करवाओगे या किसी फिल्म का XRD कराओगे, देन जो पैटर्न है वो हमारे पास डिफरेंट आता है. तो इट इज फाउंड दैट द इंटेंसिटी कर्व ऑफ मैक्सिमा हैज अ फाइनाइट विड्थ एंड फाइनाइट इंटेंसिटी. सो दिस इज अ फाइनाइट विड्थ एंड दिस इज फाइनाइट इंटेंसिटी. ये जो डेटा है ये है आपका एक्सपेरिमेंटल, ठीक है. तो एक्सपेरिमेंटली जो मैक्सिमा आता है उसकी कोई फाइनाइट हाइट होती है, इंटेंसिटी होती है, और उसकी कोई फाइनाइट है वो विड्थ होती है. और ये जो डायमेंशन है कि पीक कितनी ब्रॉड होगी या पीक कितनी इंटेंस होगी, ये डिपेंड करता है आपके क्रिस्टलाइट साइज पे. जो आप क्रिस्टल स्टडी करना चाहते हैं उस क्रिस्टल में जो क्रिस्टलाइट साइज है वो क्या है. देखिए अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, अगर आप बल्क मटेरियल की बात करो तो बल्क में क्या होगा, जो पीक है वो हाई इंटेंसिटी की आएगी और पीक जो है उसकी ब्रॉडनिंग क्या होगी, कम होगी, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे आप लोअर साइड की तरफ आते हैं, क्योंकि बल्क में जब आप बात करते हैं क्रिस्टलाइट साइज की तो माइक्रोन साइज का होता है, लेकिन अगर आप नैनो की तरफ आते हैं या एंगस्ट्रम की तरफ आते हैं तो क्या है, पार्टिकल साइज जो क्रिस्टलाइट साइज है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. तो इस टाइम पीक क्या होगी, पीक ब्रॉड होना शुरू हो जाएगी और इंटेंसिटी है वो उसकी सप्रेस होना शुरू हो जाएगी. इसीलिए मैंने बोला कि जो डायमेंशन है, एंड हाइट ऑफ द इंटेंसिटी की बात करूं, हाइट ऑफ द पीक की बात करूं या ब्रेथ ऑफ द पीक की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब डिपेंड करेगा क्रिस्टलाइट साइज पे. एंड ऑब्वियसली बात है इंस्ट्रूमेंट प्रोफाइल पे भी डिपेंड करेगा, जो हम यूज कर रहे हैं फॉर ऑब्टेनिंग डिफ्रेक्शन एंड माइक्रोस्ट्रेन ब्रॉडनिंग. तो ये जो चीजें हैं कि क्यों नैनो पार्टिकल जब हम बात करते हैं, हम बल्क से नैनो की तरफ आते हैं या मैं बात करूँ माइक्रोन से नैनो या एंगस्ट्रम की तरफ आते हैं, तो XRD पैटर्न में जो पीक्स बनती हैं वो ब्रॉड बनती हैं या उनकी इंटेंसिटी कम होती है, ये हायर क्लासेस के लिए है, इसलिए उसके बारे में आपसे डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है. चलिए अब जो हमें करना है, हमें क्या करना है, FWHM फॉर्मूला को डिराइव करना है. उसके लिए लेट अस सपोज देर आर एम क्रिस्टल्स प्लेन इन द क्रिस्टल ऑफ विड्थ टी. एज वी नो द सेपरेशन बिटवीन द प्लेन्स इज DHKL, देन टी इज इक्वल टू MDHKL. जो हमने यहाँ पे एम प्लेन्स कंसिडर किए हैं तो उन प्लेन्स के बेसिस पे जो क्रिस्टल की विड्थ है दैट इज वी आर कंसिडरिंग टी. एंड क्योंकि दो प्लेन्स की सेपरेशन है दैट वी नो दैट इज DHKL, सो जो थिकनेस है क्रिस्टल की वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, MDHKL. तो फॉर n इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय m. सो दिस इज इक्वेशन 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 2MDHKL साइन थीटा इज इक्वल टू n, क्योंकि 1 है तो यहाँ पे लैम्डा रहेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास m लैम्डा. सो इट इज हियर 2 लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी हमने इसको मल्टीप्लाई किया था m से, तो यहाँ पे दैट वुड बी 2, नॉट 2 हेयर, इट विल बी m लैम्डा. इसको आप प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज m लैम्डा. अगेन आई एम रिपीटिंग,
कि इस इक्वेशन को, इक्वेशन वन को वी आर मल्टीप्लाइंग फ्रॉम बोथ द साइड्स विद m. तो 2m dhkl साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, बिकॉज हमने n को क्या मान लिया है, 1. यही चीज यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा. दिस इज m लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू 2m dhkl साइन थीटा. एंड क्योंकि m dhkl क्या है, इट्स t हियर, तो मैंने क्या लिख दिया, दिस इज 2t साइन थीटा एंड दिस इज इक्वेशन 2. सो हम यहाँ कह सकते हैं आपके पास जो इक्वेशन आई है दैट इज 2m dhkl साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा. सो दिस इक्वेशन कैन बी इंटरप्रेटेड एज द mth ऑर्डर डिफ्रेक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ प्लेन्स विद इंटरप्लेनर डिस्टेंस t. तो यहाँ पे प्लेन्स की जो जहाँ d की हम बात करते हैं वहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं, t की. सो दिस इक्वेशन कैन बी गिवन फॉर mth ऑर्डर डिफ्रेक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ प्लेन्स विद इंटरप्लेनर स्पेसिंग t. देख लीजिए यहाँ पे, दिस इज द डायग्राम. ये आपने नंबर ऑफ प्लेन्स माने हैं, m प्लेन्स हैं, तो टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी, t, दैट इज इक्वल टू m dhkl, क्योंकि दो प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस आपने क्या मानी है, dhkl. सो यहाँ पे दिस इज इंसिडेंट एक्स रे, दिस इज ऑल्सो एन इंसिडेंट एक्स रे, एंड वेन दे गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन्स, और वी कैन से वेन दे गेट डिफ्रेक्टेड फ्रॉम द प्लेन्स, दे सुपर इम्पोज कंस्ट्रक्टिवली. एंड अगर वेव यहाँ से आती है तो दिस इज ऑल्सो अ प्लेन, इस प्लेन से भी वेव है वो आपकी डिफ्रेक्ट होगी, फाइन. तो इस तरह का डिफ्रेक्शन है वो इस क्रिस्टल में होगा. अब देखिए जो इक्वेशन टू थी आपकी, m लैम्डा इज इक्वल टू 2t साइन थीटा, उसको क्या करेंगे आप, दिस इज द इक्वेशन, m लैम्डा इज इक्वल टू 2t साइन थीटा. इस इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रॉम बोथ द साइड्स, रिमेंबरिंग दैट m लैम्डा इज अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि लैम्डा आपका फिक्स है, n नंबर ऑफ प्लेन्स भी आपके यहाँ पे क्या है, फिक्स हैं. तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लेंगे. सो क्योंकि कॉन्स्टेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इट वुड बी जीरो. तो जीरो 2t cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा d t. सो जो d थीटा है, दिस इज द स्प्रेडिंग ऑफ इंटेंसिटी, सो इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. तो हम क्या लेंगे, इसका नेगेटिव पार्ट को कंसिडर नहीं करेंगे. सो वील राइट d थीटा इज इक्वल टू डी टी साइन थीटा अपॉन t cos थीटा. हम यहाँ पे नॉर्मली इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को लेकर चल रहे हैं. डी थीटा है दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ इंटेंसिटी, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. सो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज डी टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा. अब देखिए, क्योंकि मिनिमम थिकनेस की बात करें तो दो प्लेन्स के बीच की थिकनेस क्या है, सॉरी डिस्टेंस क्या है, डी एच के एल. तो जो डी टी होगी एक टी, तो टोटल क्रिस्टल की थिकनेस है. तो अगर आप डी टी की बात करोगे तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, डी एच के एल. सो डी टी इज इक्वल टू डी एच के एल, और लैम्डा जो है दैट इज 2 डी एच के एल साइन थीटा. दिस इज ब्रैग्स लॉ. मैंने n इज इक्वल टू 1 कंसिडर किया था शुरू से ही, तो n की वैल्यू यहाँ पे फिर से हमने क्या कर दी, 1. सो वी हैव 2 डी एच के एल साइन थीटा. बच्चों लिखने में थोड़ी छोटी मोटी गड़बड़ है, तो यहाँ पे एच के एल है, या तो आप 2 डी साइन थीटा लिख लो, नो प्रॉब्लम, बट आप एच के एल लिखते हैं देन इट विल बी एच के एल हेयर. सो आप इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा अपने लेवल पे. सो 2 डी एच के एल साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा. अब देखिए, दिस इज डी टी इज इक्वल टू डी एच के एल, तो मेरे पास क्या आ गया, डी एच के एल साइन थीटा, और ब्रैग्स लॉ क्या है, 2 डी एच के एल साइन थीटा. तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास ये आ गया. तो 2 डी एच के एल साइन थीटा क्या है, लैम्डा है, एंड 2 टी कॉस थीटा एज इट इज आ गया. ठीक है, द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द इंटेंसिटी मैक्सिमा कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव. सो ये जो है डी थीटा, दैट इज एन एंगुलर स्प्रेड, और ये जो होता है, ये होता है, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल एंगुलर स्प्रेड है वो 2 डी थीटा होगा. वो कैसे देखो, इस डायग्राम में है, दिस इज डी थीटा एंड दिस इज डी थीटा, तो विल हैव टोटल एज 2 डी थीटा, है ना. सो यहाँ पे देखिए, बी इज इक्वल टू 2 डी थीटा, सो वी हैव डी थीटा इज लैम्डा अपॉन 2 टी कॉस थीटा. तो 2 डी थीटा आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा अपॉन टी कॉस थीटा. सो बी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी कॉस थीटा, एंड दैट इज टोटल एंगुलर स्प्रेड.
एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज शेरर्स फॉर्मूला. एंगुलर विड्थ एट द पॉइंट्स करिस्पॉन्डिंग टू द हाफ इंटेंसिटी मैक्सिमा इज डिफाइंड एज बी इज इक्वल टू 2d थीटा एंड इट इज कॉल्ड एफ डब्ल्यू एच एम, दैट इज फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा. देखिए दिस इज फुल मैक्सिमा. इस मैक्सिमा की हाफ, इस टोटल इंटेंसिटी की हाफ इंटेंसिटी में देखूँ तो ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मैं इस एक्सिस पे लेके आती हूँ. सो दिस विड्थ इज टोटल एंगुलर मोमेंट एंड दैट इज इक्वल टू बी एंड दिस इज एफ डब्ल्यू एच एम, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा, एंड यही हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट बनाने के लिए कुछ करेक्शंस करे गए, क्या थे क्या नहीं वो आपको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. तो करेक्टेड जो शेरर्स फार्मूला था दैट इज 0.9 लैम्डा अपॉन टी कॉस थीटा. सो बी इज इक्वल टू 0.9 लैम्डा अपॉन टी कॉस थीटा. सो दिस इज नोन एज अ वेरी फेमस शेरर्स फार्मूला. एंड एक्सआरडी की जब आप बात करते हैं हायर क्लासेस में, अगर आप एमएससी चूज़ करते हैं एंड उसके बाद आप पीएचडी में अंदर जाते हैं देन यू विल स्टडी एक्सआरडी. अगर आप मटेरियल साइंस में जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है देन यू विल स्टडी एक्सआरडी पैटर्न ऑफ सम क्रिस्टल्स. और वहाँ पे जब आप एक्सआरडी पैटर्न लेते हैं तो जो बेसिक फार्मूला यूज़ होता है एक बार वो यही वाला होता है. उसके बाद देर आर सो मैनी प्रोसेस, देर आर सो मैनी थिंग्स की हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर, बट जो बेसिक है दैट इज़ दिस B is equal to 0.9 lambda upon T cos theta. So this is the intensity and this is 2 theta and this is a peak which with minimum maximum intensity and this is the point where the intensity is half and the point, these points shows the angular spread of the peak and this is known as full width at half maxima. तो ये है आपका शेरर्स फार्मूला. अब देखिए अब हम बात करते हैं, जैसे हम एक्सरे डिफ्रेक्शन की बात कर रहे हैं क्या उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर सकते हैं टू स्टडी द क्रिस्टल. तो अभी के लिए मैं बोलूँगी यस, और मैं यस क्यों बोल रही हूँ वो मैं आगे अभी प्रूफ करने वाली हूँ. देखिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ड्यूअल नेचर ऑफ अ वेव, ठीक है याद आया. So according to de Broglie hypothesis, the wavelength lambda associated with the with electrons of mass m moving with velocity v is h, lambda is equal to h upon p लिखते हैं, p is the momentum and we can write p is equal to mv. So we have lambda is equal to h upon mv. If the electrons acquired this velocity under the action of a potential difference v volts, then we can write the kinetic energy of that electron half mv square is equal to ev. This is the velocity and this is the applied potential difference. So mv from this formula I can write square root of 2mev. So lambda can be written as h upon square root of 2mev. कुछ नहीं किया, mv की वैल्यू सीधे इस फॉर्मूले में पुट कर दी. एंड अगर क्योंकि एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, ई चार्ज है, सो वी कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू 12.26 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम. अब देखिए अगर आपका अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो 100 वोल्ट्स है तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आती है दैट इज 1.226 एंगस्ट्रॉम एंड दिस वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स इन अ क्रिस्टल. एक्सरेज को हम क्रिस्टल में क्यों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हम हमें पता है कि एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है और जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है, इंटर मतलब अगर प्लेन्स की बात करूँ तो एटॉमिक प्लेन्स के बीच जो सेपरेशन है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम. तो जो क्रिस्टल है वो एक्सरेज के लिए डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग की तरह बिहेव कर रहा था. सेम चीज़ हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ है, अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल है इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है तो उस वेव की जो वेवलेंथ है 1.226 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगी अगर हम 100 वोल्ट्स की बात करते हैं. सो दिस वेवलेंथ इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स इन अ क्रिस्टल. सो एक्सरे डिफ्रेक्शन इज वाइडली यूज फॉर द स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स एज इट्स वेवलेंथ इज ऑल्सो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम.
So similarly, it is suggested that electron can also be used as a tool of diffraction for the study of crystals. क्यों? सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की भी वेवलेंथ है वो उसी ऑर्डर की है जिस जिस ऑर्डर की एक्सरेज होती हैं. तो वी कैन यूज इलेक्ट्रॉन्स फॉर द स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स. अब देखिए, देयर आर सम स्पेशल फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन. पहला ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल एंड दे इंटरैक्ट स्ट्रांगली विद मैटर एज कम्पेयर टू एक्सरे. चार्ज पार्टिकल है तो ये जो मैटर है उससे स्ट्रांगली इंटरैक्ट करेगा. तो दूसरा जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्रेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ द मैटर, वेयर एज जो एक्सरेज हैं दे आर ओनली डिफ्रेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम ऑफ द मैटर. तो यहाँ पे न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन भी आप गैदर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन. अब क्योंकि जो थर्ड जो है, इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज अ चार्ज पार्टिकल एंड इट इजीली गेट्स एब्जॉर्ब इन द क्रिस्टल. ठीक है, तो जो होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इट विल मूव इन द क्रिस्टल अप टू वेरी स्मॉल डिस्टेंस इन कंपेरिजन टू एक्सरेज. एक्सरेज तो पेनिट्रेट कर जाएंगी, बट कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, बहुत कम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन है इट इज़ यूज ओनली फॉर द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ थिन फिल्म, जो आपके नैनो लेवल पे या एंगस्ट्रम लेवल पे होती हैं. इसमें आगे भी लिखा हुआ, क्रिस्टल सरफेस ऑफ नैनो पार्टिकल्स. सो वी कैन स्टडी दीज थिंग्स लाइक थिन फिल्म स्ट्रक्चर और नैनो पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन. एंड जो नेक्स्ट है, द स्कैटरिंग इफ एफिशिएंसी ऑफ एटम्स फॉर डिफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडरेबली ग्रेटर देन एक्सरे. देयरफॉर द डिफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द गैसेस रिक्वायर्स लेस एक्सपोजर टाइम इन कंपेरिजन ऑफ एक्सरे डिफ्रेक्शन. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन के. नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन पढ़ेंगे एंड उसके साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी जो एग्जाम में आए हुए हैं, और हम डिस्कस करेंगे कि पिछले कुछ सालों में इस यूनिट में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं. अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो क्या हमने जो अभी तक पढ़ा है उससे हम इन्हें अटेम्प्ट कर पाएंगे. तो हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर में एक यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी. देन विल स्टार्ट सेकेंड यूनिट. थैंक यू स्टूडेंट्स.